हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो सीरीज टेस्ट लैम्प के बारे में, और आज मैं एक छोटा सा सीरीज टेस्ट लैम्प बना के दिखाऊंगा जिससे कि इजीली इन सारे चीज़ों को चेक कर पाएंगे जिससे कि थंबनेल में आपको दिखाया हूँ। फ्रेंड, सिंपल सा है, एक टू पिन लेना है, एक होल्डर लेना है और एक 100 वाट का बल्ब लेना है। कनेक्शन कुछ इसी तरीके से होगा, टू पिन का एक कनेक्शन है LED 100 वाट का बल्ब में जाएगा और 100 वाट बल्ब से तार निकलेगा वो डायरेक्टली निकल जाएगा और एक टू पिन से डायरेक्टली निकल जाएगा। और ये दोनों वायर को जहाँ पर भी लगाएंगे वो हमारा 100 वाट के बल्ब में कुछ ना कुछ शो करेगा। अगर ख़राब होगा, शॉर्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा LED हमारा जो 100 वाट का फिलामेंट बल्ब है वो जल जाएगा। फ्रेंड, तो चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं कैसे इसको चेक करते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है। तो चलिए पहले आप बनाने का प्रोसेस देख लीजिए। एक 100 वाट का बल्ब चाहिए जो कि आपको इजीली मार्केट में ले लें, 100 वाट, 200 वाट या 300 वाट, जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है। फिलहाल आपको 100 वाट का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए 100 वाट का हमने बल्ब ले लिया। बहुत ही काम आता है सीरीज टेस्ट लैम्प हर चीज़ के लिए। एक होल्डर लेना है आपको, वायर लेना है, टू पिन लेना है और कुछ इक्विपमेंट लेना है बनाने के लिए। इजीली आप अपने कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके वायर कैसे कैसे लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे वायर को नाप रहा हूँ, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नाप नाप के मैंने कटिंग किया हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा 1 mm का तार यूज करें या 1.5 mm का, ताकि आपका जो वायर है टूटे नहीं जल्दी। तो चलिए यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं और आपको लगा के दिखाते हैं। तो चलिए एक वायर को कटिंग करेंगे, कम से कम एक हाथ एक फुट से कम है, एक फुट के लगभग। तो चलिए दोनों वायर को छील लेंगे और टू पिन में एक वायर लगाएंगे। चलिए टू पिन को भी खोल लेते हैं और एक टू पिन में वायर लगाएंगे। टू पिन का कोई भी पॉइंट में एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक पॉइंट में लगा लेते हैं। बहुत ही इजी है फ्रेंड करना। और इससे फ्रेंड बहुत सारी चीज़ को चेक कर पाएंगे, जैसे कि मैं वीडियो में बताता हूँ, बोलता हूँ सीरीज टेस्ट लैम्प का ज़रूर यूज करें। तो यही है सीरीज टेस्ट लैम्प। इसका वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ, जो कि आपने देखे हैं, नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, और नहीं तो इसी वीडियो को देख रहे हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का और सिंपल आपके लिए होगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे एक होल्डर लिया और होल्डर में भी कनेक्शन करना है। होल्डर का जो भी है कुछ इस तरीके से आप होल्ड कर लीजिएगा, इस वायर को इसमें से डाल दीजिएगा और होल्डर का एक पॉइंट में जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे अब कुछ कुछ चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फ्रेंड, टू पिन का एक वायर में जोड़ लेते हैं, एक पॉइंट में, टू पिन का एक पॉइंट में जोड़ लेते हैं जो कि कनेक्टर है। तो इस कनेक्टर के साथ जोड़ दिया। उसके बाद दो पॉइंट बचता है फ्रेंड, एक वायर तो आपका जुड़ गया, अब दो पॉइंट जो बचेगा लगभग 1 से 1.5 मीटर के आसपास वायर कटिंग करेंगे, जितना आपको ज़रूरत है। तो 1 से 1.5 मीटर के अंदर कटिंग करके दो वायर को जोड़ेंगे। तो चलिए 1 से 1.5 मीटर हमने वायर को कटिंग कर लिया हूँ, दोनों को बीच में काट लेंगे, दो वायर होना चाहिए। अभी दोनों वायर को जो जो पॉइंट हमारा छूट गया है उस पॉइंट में जोड़ देंगे। तो सिंपल सा ये सीरीज टेस्ट लैम्प के बारे में आप समझ गए होंगे। आप इसको जितना अच्छा से मॉडिफाई करके बोर्ड में बना सकते हैं बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, वो मेरे हिसाब से आप समझ तो गए होंगे। और नहीं समझ पाए हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली आप हमसे चैट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो पॉइंट हमारा यहाँ पर बचा हुआ था उस पॉइंट में एक कनेक्ट कर रहा हूँ। और फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है। और सर्किट डिफेक्ट प्रोजेक्ट चैनल हमारा जो नया खुला हुआ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, मेकिंग वीडियो देख सकते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो भी देख सकते हैं। तो जिस चीज़ पर इंटरेस्ट है उसके लिए उस चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे रिपेयरिंग का रिलेटेड ही वीडियो आपको मिलेगा, एम्पलीफायर का रिलेटेड ही मिलेगा।
तो चलिए फ्रेंड सेकंड वायर को जोड़ लेते हैं होल्डर में। तो फ्रेंड जरूर से जरूर सर्किट पर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें, हमारा नया चैनल है, सब्सक्राइबर अभी बहुत ही कम है। तो चलिए फ्रेंड हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, और चलिए इसको लगा लेते हैं। उसके बाद आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा कि इससे क्या क्या चीज़ को इजीली टेस्ट किया जा सकता है, और मेरे हिसाब से सारे इक्विपमेंट को इजीली टेस्ट कर सकते हैं जहाँ तक होता है। आप इसमें 220 वोल्टेज का ही चीज़ को चेक करें, अदर कोई चीज़ को चेक करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। फिर ट्रांसफार्मर हो गया, कोयल हो गया, स्लिमेन का कोयल हो गया, एसी पावर सप्लाई हो गया, एसएमपीएस पावर सप्लाई हो गया, ये सब चीज़ को इजीली चेक कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड मेरे यहाँ से ये सीरीज स्लिम कंप्लीट हो चुका है। एक 100 वाट का फिलामेंट बल्ब लगाएंगे और आपको चेक करके दिखाएंगे कैसे इसको यूज कर सकते हैं और ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण काम आएगा। तो चलिए एक फिलामेंट बल्ब को लगा लीजिए। थोड़ा सा होल्डर में ये हो गया है फ्रेंड, चलिए लगा लेते हैं। और चलिए बोर्ड हमारा ये है, इस बोर्ड में लगाते हैं और आपको दिखाते हैं चेक करके। देखिए फ्रेंड जैसे ही शॉर्ट करेंगे सीरीज टेस्ट लैंप का लाइट चलना चाहिए। तो फ्रेंड हमारा एक ही रिकमेंड है, आपका घर में एनसीबी है तभी इस चीज़ को यूज करें, क्योंकि गलत कनेक्शन करके आप शॉर्ट करेंगे तो घर में शॉर्ट हो सकता है, इसलिए एमसीबी रहेगा तो आपका ट्रिप हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हमारा सीरीज टेस्ट लैंप कम्प्लीट हो गया। अगर ऐसा कनेक्शन है तो सही इजीली करके आप अपने घर का सीरीज टेस्ट लैंप बना सकते हैं, अपना घर का भी वायरिंग भी चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे सीलिंग फैन का कोयल चेक करके आपको दिखा रहे हैं। इस कोयल में तो नहीं बताया, एक कोयल को छोड़ के फिर करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक कोयल हमारा कटा हुआ है, तो इजली सीलिंग फैन का कोयल को इजली यहाँ पे चेक कर पाएंगे हमारा जो कोयल सही है या नहीं, कुछ सारे चीज़ इस टेस्ट लैंप पे आपका कंप्लीट बताएगा। आपको कुछ कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा फ्रेंड। तो चलिए हमारे पास एसएमपीएस पावर सप्लाई, इसमें लाइट तो नहीं जलेगा लेकिन ख़राब होगा तो लाइट जल जाएगी, तो यही है कॉमन साइंस। सीलिंग फैन में लाइट जल रही थी फिर भी उसका कॉमन साइंस आपको लगा कर चेक करना होगा। अगर उसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, क्या प्रॉब्लम होती है, किस चीज़ में कैसे चेक करना है सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में, उसके बारे में वीडियो मैं बना दूंगा। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। और जिसको जिसको वीडियो चाहिए फ्रेंड जरूर कमेंट करें, जरूर रिकमेंड करें मुझे कि मैं उस वीडियो को बना दूं। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय।